नूह में जिस तरह ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद विवाद की स्थिति बनी, उसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद ने बीजेपी सरकार पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलमास का कहना है कि नूह हो या मणिपुर, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लगातार उपद्रव और दंगे हो रहे हैं। बीजेपी सरकार चुनाव के समय माहौल बिगाड़ने का काम करती है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला रही है, वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आज हम सब एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नूह में हुए दंगों के लिए। मेरा नाम अलमास सलीम है और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नूह में जो दंगे हुए हैं, उस पर किसी भी निष्कर्ष पे आने से पहले कुछ प्रश्न सामने खड़े होते हैं। कुछ भी जानने के लिए पहले क्रोनोलॉजी समझना ज़रूरी है कि किस दिन क्या हुआ। ब्रजमंडल जिला अभिषेक यात्रा निकलनी थी। यात्रा 3 साल से नूह में आयोजित हो रही है, जो नूह से होते हुए निकलती है। 31 जुलाई को यात्रा का दिन तय हुआ। यात्रा से 2 दिन पहले मोनू मानेसर ने एक वीडियो शेयर किया। थोड़ा सा संक्षिप्त में मोनू मानेसर के बारे में भी जान लेते हैं। वह खुद को बजरंग दल का सदस्य बताता है, गौरक्षक कहता है। इसी साल 15 फरवरी को नासिर और जुनेद के जले हुए शव मिले। इस हत्याकांड में मोनू मानेसर नामजद है। इसी मोनू मानेसर ने यात्रा से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह खुद को बजरंग दल प्रांत गौरक्षक बताता है और वह कहता है कि वह ब्रजमंडल यात्रा में अपनी टीम के साथ शामिल होगा। मोनू मानेसर के पोस्ट व वीडियो डालने के बाद से ही मेवात में विरोध शुरू हो गया। मेवात के लोग वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। ये गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि नूह का माहौल पूरे 2 दिन से मोनू मानेसर उसके प्रतिरोध में तनावपूर्ण था। हिंसा 31 जुलाई को जाकर शुरू हुई, यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार यानी भाजपा सरकार हरियाणा के पास पूरे 2 दिन का अवसर था और वह इस पे सोती रही। 31 जुलाई सुबह नल्हड़ से यात्रा शुरू होनी थी। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। यात्रा शुरू होकर शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जानी थी। मोनू मानेसर के आने की आशंका से दंगे भड़क गए। सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की अनुमति से होने वाली यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार कहाँ से आए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 होमगार्ड और 1 आम नागरिक। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, लगभग 80 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि मोनू मानेसर की वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और उसके प्रतिरोध में वीडियो भी शेयर होने लगी थी और मेवात से विरोध भी दर्ज होने लगा था। पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया गया? प्रिवेंटिव अरेस्ट मेजर्स क्यों नहीं लिए गए प्रशासन की तरफ से? कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंतजाम में इतना बड़ा फेलियर क्यों रहा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जांच से ही पहले भाजपा सरकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि मोनू मानेसर की वीडियो का इससे कोई भी लेना देना नहीं। अगर मोनू मानेसर की वीडियो का इससे कोई भी लेना देना नहीं है तो वे इस निष्कर्ष पर कैसे आए? क्या CDI की रिपोर्ट हुई? क्या CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दर्ज की? CBI की जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो इस निष्कर्ष पे गृह मंत्री कैसे पहुंच गए? सवाल ये भी उठता है कि गृह विभाग के पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजरनिया ने खुद सोशल मीडिया पे और मीडिया से आकर कहा कि मोनू मानेसर की वीडियो वायरल होने की वजह से दंगे भड़क गए। सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं इसमें दोनों गुटों पर ब्लेम गेम करने से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही है। प्रशासन के पास पूरे 2 दिन थे, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि सरकार और पुलिस सबको सुरक्षित नहीं कर सकती, सबकी सुरक्षा को वो नहीं दे सकती। तो अगर CM मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि वो सबको सुरक्षित नहीं कर सकते, तो उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी पोस्ट से। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि सरकार, भाजपा सरकार हमेशा जब भी चुनाव करीब आते हैं तब जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे दंगे क्यों भड़कने लगते हैं? मणिपुर में आग क्यों लगी हुई है? मेवात में दंगा क्यों हो गया? मध्य प्रदेश में अब नफरत क्यों घोली जा रही है? तो ये सारे सवाल जो है भाजपा की तरफ खड़े होते हैं। आपका मतलब? हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।